हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग। और जो ओक्टा एफएक्स का ट्रेड होता है वो रियल में मनी देता भी है या नहीं, उसमें कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं है। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें 15 से कम भी आप ये माले 20 दिन मैंने जो उसमें एक्सपीरियंस लिया है वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, ओक्टा एफएक्स में अगर आप कॉपी ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको जो आपका मास्टर है वो सिर्फ रेटिंग या रिव्यू के हिसाब से नहीं, आपको उसकी हिस्ट्री चेक करके कि उसने कितना ट्रेड लिया है, कितना प्रॉफिट लिया है और वो आपके लिए कितना दे सकता है प्रॉफिट, आपको इस तरीके से देख के अपना मास्टर उसमें सेलेक्ट करना है ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेड में। और दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अगर $25 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत हाई रहेगा। आपको कम से कम भी $100 से उसमें स्टार्ट करना है ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग में, क्योंकि ओक्टा एफएक्स जो है बहुत वियोलेट, मतलब एक बहुत ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि कितना आपको लॉस हो जाए और कितना प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए आपको बैकअप के लिए कम से कम $100 उसमें लेके चलिए। और ओक्टा एफएक्स जो कॉपी ट्रेडिंग है उसमें दोस्तों मार्जिन होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपको जो मास्टर उसमें ट्रेड करेगा तो आपको भी उसमें जाहिर सी बात है जितना प्रॉफिट उसको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। बस सिर्फ आपकी जो कमीशन है, जो चाहे 25% है 50% है, वो आपको उसमें से अपने प्रॉफिट में से आपको उसको देनी होगी। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, जो ओक्टा एफएक्स ट्रेड होता है यानी कि जो सेल्फ खुद ट्रेड करते हैं यानी किसी मास्टर को नहीं चुनते, किसी मास्टर की ट्रेडिंग को कॉपी नहीं करते, ये उसके लिए है कि जो ओक्टा एफएक्स ट्रेड है उसमें अगर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप थोड़ी ही प्रॉफिट में, यानी कि अगर आपको उसमें आपने मिनिमम 0.01 का लॉट लिया है और आप उससे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको उसमें लॉस और प्रॉफिट आप उसमें जरूर लगा के रखें, जरूर किसी भी कीमत पे, अगर आपको प्रॉफिट है तो वो ऑटोमेटिक जनरल प्रॉफिट करते हैं आप वही ले, आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में मत जाएं। आपको अगर थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है आप उसको ले लीजिए, आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप थोड़े सी लॉस में आप उसको क्लोज कर दीजिए अपनी बिट को, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी है कि आप दोस्तों ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेड जो है बहुत ध्यान से करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये करना है, अगर आपको लगता है कि आपको आप इसको समझ रहे हैं तो आप करिए, वरना इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा ओक्टा एफएक्स के बारे में, मैं अपना अगला एक्सपीरियंस जल्दी लाऊँगा।